नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों अगर आपके पास पैसा नहीं है लोक अदालत में जाने की तो क्या होगा? आपके पास लोक अदालत से एक से दो बार की नोटिस आ चुकी है और अगर आप तीसरी बार या दूसरी बार लोक अदालत में नहीं जाएंगे तो बैंक आपके ऊपर क्या पुलिस केस कर सकती है? क्या बैंक आपके खिलाफ कोई भी मुकदमा कर सकती है? क्या बैंक कोई भी लिटिगेशन फाइल कर सकती है? क्योंकि 9 दिसंबर को लगने वाली है लोक अदालत और लोक अदालत को लेकर के बहुत सारा प्रश्न आपके मन में है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनके पास पैसे नहीं हैं लेकिन उनके पास भी लोक अदालत की नोटिस आई हुई है कि आप अपने लोन का सेटलमेंट 9 दिसंबर को अपने सिविल कोर्ट या अपने तहसील में 9 बजे से लेकर के 4 बजे तक के बीच में आकर के करा सकते हैं। उसमें आपको बैंक का डिटेल भी दिया होता है और पैसे का डिटेल भी दिया होता है, इतने इतने। लेकिन आपकी जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि आपके पास पैसा है ही नहीं। अब जब पैसा ही नहीं है तो फिर लोक अदालत में जाकर के फायदा क्या होगा? लेकिन डर इस बात का है कि अगर लोक अदालत में नहीं जाएंगे तो बैंक हमारे बारे में क्या सोचेगी? बैंक हमारे बारे में यही सोचेगी कि हम जानबूझ करके लोक अदालत में नहीं आना चाहते हैं। लेकिन पैसा नहीं है तो हम वहां पर कोई भी सेटलमेंट करने की कंडीशन में नहीं है। मान के चलिए कि हमें अगर 20% भी छूट मिल रही है तो 20% देने के लिए हमारे पास पैसा होना चाहिए। अब सबसे बड़ी समस्या यही है कि पैसा न होना। पैसा नहीं होने से सेटलमेंट नहीं होगा और अगर हम लोक अदालत में नहीं जाएंगे तो बैंक हमारे ऊपर पुलिस केस कर देगा। तो ऐसी दुविधा आपके मन में बनी हुई है और इसी दुविधा को आज हम दूर करने के लिए इस वीडियो को बना रहे हैं, क्योंकि हमारे ऐसे बहुत से रिव्यूअर हैं जो इस प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से, यानी जितने भी हमारे व्यूअर हैं उनको मैं इस वीडियो के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि अगर आपके पास लोक अदालत की नोटिस एक बार आए या 10 बार आए, जब तक आप लोक अदालत में जा करके बैंक के द्वारा दिए गए किसी भी सेटलमेंट फॉर्म पे साइन नहीं करते हैं तब तक आप लोक अदालत में जाने से कोई दिक्कत नहीं है, भले ही उसके बाद बैंक आपको 50 बार नोटिस भेज दे। अगर एक ही बार चले गए और वहां पर आपने फॉर्म साइन कर दिया तो वो सेटलमेंट माना जाएगा और वहां पे आपकी उपस्थिति मानी जाएगी। अगर आप गए वहां पर और वहां पर आपका वहां पर सेटलमेंट का मन नहीं हुआ, बजट आपको नहीं लगा, आप चले आए तो ये आपकी प्रेजेंस नहीं मानी जाएगी, आपकी उपस्थिति वहां पर नहीं मानी जाएगी, उसके बाद भी बैंक आपको बुला सकता है। लोक अदालत में अगर आप नहीं जाएंगे तो बैंक किसी प्रकार से ये केस नहीं कर सकता है कि आप लोक अदालत में नहीं आए, इसलिए हम आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर देंगे, पुलिस आपको उठा करके लेकर जाएगी, जेल में बंद कर देगी। पुलिस किसी भी व्यक्ति को बिना किसी भी अपराध के गिरफ्तार नहीं कर सकती है। कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कंप्लेन दर्ज करता है, कोई भी प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखवाता है तो उसके लिए साक्ष्य का होना जरूरी है, यानी कि एविडेंस का होना जरूरी है। इसी तरीके से पुलिस बिना किन्हीं कारणों से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल में नहीं डाल सकती है। पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है लेकिन उसके लिए भी वारंट चाहिए। तो यहाँ पर लोक अदालत में नहीं जाने पर किसी प्रकार का कोई पुलिस केस नहीं होगा, 100% गारंटी है ये हमारी। जो लोग इस प्रकार के वीडियो बनाते हैं कि पुलिस केस हो जाएगा तो ये गलत है। अगर बैंक में आपने सिक्योरिटी पर्पस से चेक दिया हो या ईसीएस का मैंडेट कराया है, नैश मैंडेट कराया है, तो ये मामला अलग है। इस मामले में बैंक केस फाइल कर सकता है लेकिन इस बात के लिए केस फाइल नहीं कर सकता है कि आप लोक अदालत में 2 बार बुलाने पर नहीं आए, 4 बार बुलाने पर नहीं आए। अरे जब पैसा ही नहीं है तो हम 10 बार भी बैंक हमको बुलाएगा तो हम नहीं जाएंगे। हम वहाँ जाएंगे और वहाँ पे सेटलमेंट नहीं कर पाएंगे तो फिर ये क्या होगा, है ना? लेकिन एक बार अगर आप चले गए और वहाँ पर सेटलमेंट फॉर्म पे साइन कर दिया तो दोबारा आप न उसी लोक अदालत में जा सकते हैं, न इंडिया के किसी भी कोर्ट में, न सिविल कोर्ट में, न हाई कोर्ट में, न आप सुप्रीम कोर्ट में और न ही प्रेसिडेंट के पास। ये हमने बहुत सारे वीडियोज में आपको बताया है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि लोक अदालत में नहीं जाने पे कोई भी परेशानी नहीं आ रही है, कोई भी परेशानी आपको नहीं होने वाली है। बैंक आपके बारे में क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है इसकी परवाह आप मत करिए, क्योंकि बैंक को तो पूरा पैसा चाहिए। आपको
बैंक करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है कि अगर आप दो बार तीन बार बुलाने पर नहीं जाएंगे तो बैंक वाले आपके बारे में क्या सोचेंगे। बैंक का आपसे कुछ भी लेना देना नहीं है, आपके संबंधों से उसे कुछ भी लेना देना नहीं है। जब तक आप पैसा दे रहे हैं आप उसके बहुत ही रॉयल कस्टमर हैं, आप उसके बहुत ही हितैषी कस्टमर हैं, आप बैंक के प्रीमियम कस्टमर हैं। जैसे ही एक ईएमआई बाउंस होती है बैंक वालों का स्वभाव बदल जाता है। जो मैनेजर आपको जी जी करके बात करता है, आपके घर पे आता है, चाय पीता है, नमस्कार करता है, वही बैंक मैनेजर आपको गाली भी देगा, आपको आपकी हैसियत भी दिखाएगा। तो बैंक कभी किसी का सगा नहीं होता है, वो हमेशा ठगने वाला काम करता है, क्योंकि वो व्यापारी आदमी है, उनको पैसे से मतलब होता है। जो इंसान दुनिया से चला जाता है और वो उसका जो शरीर होता है उसके घर पे पड़ा होता है, तो बैंक उनके घर पे भी पहुंच जाते हैं पैसा लेने के लिए। तो इस बात के लिए ये मत सोचिए कि बैंक हमारे बारे में क्या सोचेगा, मैनेजर हमारे बारे में क्या सोचेगा, कोई भी व्यक्ति हमारे बारे में क्या सोचेगा। इस सोच से आप बिल्कुल मत घबराइए। लोक अदालत में पैसे नहीं है तो मत जाइए, कोई भी आपके ऊपर लीगल एक्शन इस बात के लिए नहीं होगा। समझने की कोशिश करिए कि इस बात के लिए नहीं होगा कि आप लोक अदालत में नहीं आए। दूसरा केस जो कि चेक बाउंस और ईसीएस बाउंस का जो केस है, उसके लिए बैंक को एडवांस नोटिस देना जरूरी है, लीगल नोटिस देना जरूरी है अपने एडवोकेट के माध्यम से, अपने लीगल पैनल के माध्यम से। तो दोस्तों आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, 9 दिसंबर को पैसा है तभी लोक अदालत में जाइए, अन्यथा मत जाइए। इसके बाद भी बैंक आपको भेजेगा नोटिस, बिल्कुल परेशान मत होइए। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करिए, इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।